मनीष उपाध्याय, आपने ये वीडियो स्टार्ट होने के पहले स्क्रीन पे नौ स्टेप्स देखी होगी, थैंक्स गॉड आई एम स्टेमर सीरीज के अंडर नौ स्टेप्स आपने ऑब्जर्व की होगी। अगर आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे पुराने वीडियोस रेफर करें। फ्रेंड्स, ये लास्ट स्टेप है जो कि थैंक्स गॉड आई एम स्टेमर की सीरीज है ना, बट ये लास्ट न बोलते हुए मैं बोलूंगा ये हर एक की लाइफ के लिए फर्स्ट स्टेप है। दोस्तों, ये स्टेप का नाम है नेवर गिव अप। नेवर गिव अप, मैंने जितने भी एक्शन स्टेप्स आपको बोली है, आप इसमें कुछ नए नए टास्क करोगे, नए नए एक्टिविटी करोगे, नया पढ़ोगे, हो सकता है लोग आप पे हंसेंगे, आप गलती करोगे, कभी आपको एक्सपेक्टेड आउटकम ना मिले, राइट, आपको अचीवमेंट ना मिले, बट आप कंटिन्यूसली करते रहोगे तो आपको रिजल्ट्स मिले। दोस्तों, जहाँ पे आप हार के बैठ गए और आपने सोचा कि यार मेरे साथ हो नहीं रहा, तो आप समझ जाइएगा कि आपका कभी इम्प्रूवमेंट या कभी आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। दोस्तों, ये स्टेप में मैं आपको मेरे स्टैमरिंग का एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं आपको मेरा लाइव ट्रेनिंग का एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक बार की बात है, मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, राइट। वहाँ पे जब मैं ट्रेनिंग करने जैसे ही पहुँचा, करीबन 300-350 स्टूडेंट्स ऑल फाइनल ईयर ग्रेजुएट्स थे जो मेरा वेट कर रहे थे, और बस मुझे हॉल में जाके मेरा टॉक स्टार्ट करना था। वैसे तो वो कॉलेज में कभी करंट का प्रॉब्लम नहीं था, बट उस दिन जैसे ही मैंने कैंपस में पैर रखा, करंट कॉलेज का चले गया, देयर इज ए पावर लॉस हुआ, राइट। और बच्चे ऐसे समय पे बहुत ज़्यादा मस्ती करते, हल्ला गुल्ला करते, करना भी चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करने लग लगे। सो मैं जब वहाँ के डायरेक्टर से मिला, मैंने बात किया, है ना, और वहाँ के जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर आए, वो बोले सर बच्चे बहुत आवाज़ कर रहे हैं, आप अपना सेशन, अपना ट्रेनिंग पोस्टपोन कर दो। ऐसे क्यों? तो बोले सर ऐसे समय पे आपके पास माइक नहीं रहेगा और आप 350-400 बच्चों को कैसे एड्रेस करेंगे, राइट। बट मैंने ये बोला कि यार ट्रेनर कौन होता है, ट्रेनर क्या वही है जब माइक मिलेगा, सब कुछ स्थिति अच्छी रहेगी तभी हम परफॉर्म करेंगे। आई फील रियल ट्रेनर और रियल अचीवर इज दोस हु परफॉर्म इन द वर्स्ट कंडीशन, राइट। उस दिन मैंने उनको बोला कि यार मैं क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा फेल हो जाऊँगा ना, बट आई वॉन्ट टू गिव इट अप माई बेस्ट, राइट। उस दिन मैं गया और मैंने हॉल में जो मैंने ट्रेनिंग ली, यू डोंट बिलीव माय फ्रेंड, मैंने उस समय करीबन 4 आवर्स का लाइव ट्रेनिंग लिया और एक बच्चा भी बीच से उठ के नहीं गया। जब मैंने वो 300-350 बच्चों को लाइव ट्रेनिंग लिया, विदाउट फैन, विदाउट एसी, विदाउट माइक, विदाउट एनीथिंग, राइट, एंड दैट इज इन द हॉट समर डेज, राइट। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, इट्स नॉट अबाउट वॉट यू हैव, इट्स अबाउट वॉट यू हैव। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हो, कैसे दिखते हो, कहाँ पे हो, कौन से रीजन से हो, कौन से कंट्री से हो, क्या पेरेंट, क्या स्थिति आपके फैमिली की, बट हाँ इससे जरूर फर्क पड़ता है कि आपके माइंड में क्या है, क्योंकि यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। फ्रेंड्स, ये सिर्फ 10 स्टेप्स मैंने बनाई क्योंकि मैं उन लोगों को हेल्प कर सकूँ जो सही में बोलना चाहते हैं, सही में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे काफ़ी दोस्त हैं जो मुझसे कनेक्टेड है मेरे फेसबुक के थ्रू, मेरे YouTube चैनल के थ्रू, मेरे Twitter अकाउंट के थ्रू, Instagram के थ्रू, जो मुझे कंटिन्यूसली अपडेट्स देते हैं, राइट। आप भी किसी चीज़ पे मुझसे अगर सुनना चाहे, कोई चीज़ पे मैं बात करना चाहे, आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, मैं श्योरली मैं कोशिश करूँगा मैं उस पर वीडियो बनाऊँ और मैं आप तक पहुँचूँ, राइट। आपको पूरे 10 स्टेप्स देखने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ है, आप जरूर पोस्ट कीजिएगा कमेंट्स में, राइट। एट द सेम टाइम और कुछ अगर आप एडिशनल चाहे वो भी पोस्ट कीजिएगा, बट मैं धन्यवाद देता हूँ ईश्वर का कि मुझे स्टेटर बनाया, मुझे स्टेमर बनाया, क्योंकि अगर मैं स्टेमर नहीं बनता तो मैं ट्रेनर नहीं बनता, और अगर मैं ट्रेनर नहीं बनता तो शायद मैं आज आपको नहीं देखता। तो दोस्तों, जो भी चीज़ अपने लाइफ में होती है उसका कुछ ना कुछ रीज़न रहता है, हो सकता है मुझे फॉर टाइम बिंग ये रीजन पता ना चले, बट मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ उस रीजन का कुछ ना कुछ मतलब है। तो दोस्तों, मैं यही चाहता हूँ कि आप अपना लाइफ एक कदम आगे बढ़ाएं। बेबी शॉर्ट स्टेप, आपको याद होगा, एक बेबी की तरह अपना एक कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो एक कदम ही आपकी जर्नी में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। हमारी यात्रा, हमारी मंजिल तब तक ही बड़ी लगती है जब तक हम अपना पहला कदम नहीं उठाते। मैं चाहता हूँ टेक योर फर्स्ट स्टेप एज फास्ट एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि जब आप पहला स्टेप लोगे तो ही आप अपने जर्नी में लास्ट तक पहुंचोगे, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली।